नमस्कार, स्वागत है आपका केबी न्यूज इंडिया में। मैं हूं अजहर बेग और आप देख रहे हैं इस समय की खास खबर। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया बुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। ग्राम प्रधान द्वारा गायों को गुड़ अजवाइन खिलाकर मनाया मकर संक्रांति का पर्व। आमतौर पर अजवाइन का इस्तेमाल नमकीन पूरी, नमक पारे और पराठों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि बुजुर्गों की माने तो अजवाइन सर्दी, जुकाम, बहती नाक और ठंड से निजात पाने की अचूक रामबाण दवा है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और जलनरोधी तत्व पाए जाते हैं, जो न सिर्फ छाती में जमे कफ से छुटकारा दिलाते हैं बल्कि सर्दी और साइनस में आराम देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राट क्षेत्र के ग्राम प्रधान देवेंद्र राजपूत ने आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ग्राम गलहिया की गौशाला में ग्राम प्रधान व अपने सहयोगियों के साथ मिल कर एक कुंतल गुड़ और अजवाइन के लड्डू गौशाला की समस्त अन्ना मवेशियों को खिलाया गया। आपको बता दें, ग्राम प्रधान द्वारा समाज की उन्नति व समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और बताते चले कि अन्न मवेशियों से ग्राम के सभी किसान परेशान थे, तो किसानों का दर्द देखा नहीं गया और एक अनोखी गौशाला बनाकर सभी गायों को अपने संरक्षण में ले लिया और बराबर गौशाला कर्मचारियों के साथ गोसेवा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। विकासखंड राट के ग्राम गलहिया प्रधान देवेंद्र राजपूत ने बताया कि गायों को इस कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए गौशाला में विशेष प्रबंध किए गए और सर्दी से बचाव के लिए गुड़ अजवाइन के लड्डू भी खिलाए गए। मकर संक्रांति के मौके पर गायों को गुड़ अजवाइन के लड्डू खिलाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया। बुजुर्गों के अनुसार गोवंश को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है, अर्थात माँ की सेवा ही चारों धामों की यात्रा का पुण्य की प्राप्ति होती है। वही गाय का दूध भी हमारे जीवन के लिए पौष्टिक आहार है और बताया कि आगे जो भी सेवा बनेगी करते रहेंगे। केवी न्यूज इंडिया से राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट।